अनुदेशक 11 माह 29 दिन के मानदेय को लेकर कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। सभी अनुदेशक साथियों को नमस्कार। विधिक परामर्श ले लिया गया है। कोर्ट खुलते ही संगठन आज से जारी शासनादेश में हुए असंवैधानिक नियम परिवर्तन को न्यायालय में चैलेंज करते हुए इस परिवर्तित आदेश को बदलवाते हुए संविदा अवधि 16 जून से किए जाने वाले अतिरिक्त दिनों को बढ़ाते हुए 11 माह 29 दिन का कार्यकाल कराने का प्रयास करेगा व 16 जून से 30 जून तक बढ़ रहे दिनों की संख्या का मानदेय दिलाने का प्रयास करेगा। तब तक के लिए सभी अंतरिक्ष साथियों से आग्रह कि वह अपने अपने स्कूल जाएं। शुरू करते हैं आज की खास रिपोर्ट। अनुदेशकों की थोड़ी समस्या को लेकर शिक्षा निदेशक जो इस समय नए नियुक्त हुए हैं बेसिक शिक्षा विभाग में शिव कुमार जी मुलाकात अभी जैसे जैसे जो जो विषय आप बताते रहेंगे आप बहुत अच्छे विषयों पे आप जो है जब डिबेट रखवाते हैं बहुत अच्छे विषयों पे डिबेट होती है आपकी। मैं जो है इस वाले मुद्दे को अनुदेशक वाले मुद्दे को भी हम जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास करेंगे। नहीं इनकी तीन बड़ी मांगे हैं उन पर आप फिलहाल काम करा दें। एक मांग है कि इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग एक बड़ी प्रक्रिया है और उसमें सरकार का एक रुपया खर्च नहीं होना है। क्योंकि ये मांगे आप करा देंगे आप लिखते जाइए ट्रांसफर पोस्टिंग है इनकी। एक एक अनुदेशक 100-100 किलोमीटर सफर करता है 70 किलोमीटर करता है। उसमें कई ऐसी महिलाएं हैं जो उनकी डाइवोर्स पर नंबर आ गया तलाक पर नंबर आ गया है क्योंकि कहीं पति है कहीं शादी हो गई किसी जिले में तैनात है और कई ऐसे लोग हैं जो 50 किलोमीटर ऊपर काम करते हैं तो उनका आपस में समायोजन हो जाए जो जिस इलाके का है उसमें नियुक्त हो जाए। इसमें बहुत कुछ नहीं होना है न पैसा खर्च होना है। दूसरे इनके रिन्यूअल पर समस्या अटकी हुई है। हमको लग रहा है इस बार 1400 लोगों का इस विभाग से नाता टूट जाएगा। कहीं 97 बच्चे हैं कहीं 96 बच्चे हैं तो एक दो बच्चों के पीछे इनका नौकरी न जाए ऐसे 1400 लोगों की नौकरी जाएगी। और तीसरी समस्या है इनकी लगातार रिन्यूअल ट्रांसफर पोस्टिंग और 100 बच्चों की बाध्यता। इन तीनों पर बैठ के इनकी बातचीत करा के कोई सार्थक लेटर जारी करा दीजिए। मीटिंगें तो बहुत होती रही मीटिंगें नहीं होनी चाहिए अब उस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। हमारे साथ आदरणीय सुनील कौशिक जी जुड़ चुके हैं मैं उनका स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। और इस पर आप ये तीनों बिंदु लिख लें ट्रांसफर पोस्टिंग 100 बच्चों की बाध्यता और रिन्यूअल। अगर ये तीनों समस्या इनकी खत्म हो जाए तो शायद इनकी आधी साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए कि प्रभु इतना दे दो मुझे मैं अपने कुटुंब के साथ बैठ के खा सकूं। मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए मैं भूखा ना रहूं और जो मेरे यहाँ योगी संत सन्यासी साधु आए तपस्वी आए भगवाधारी आए पीले कपड़े वाला आए श्वेत वस्त्र वाला आए तिलक तंबूरा दाढ़ी वाला आए बिना तिलक तंबूरे के आए वो भूखा ना जाए। अगर मांगे भोजन तो हम उसे दो रोटी चार रोटी सब्जी दाल दे दे। मटर पनीर नहीं मांगने आता है वो बिरयानी नहीं मांगने आता है पेट भरने के लिए अपनी रोटी मांग रहा है। वो लड़की हवाई चप्पल मांग रही है वो ब्रांडेड जूते नहीं मांग रही है वो हवाई चप्पल मैंने देखा है रोड के किनारे कई बार गाड़ी से देखा है कैसे कैसे लोग अपनी चप्पलों में बांधे हुए सुतली बांधे हुए कैसे कैसे गांठ। तो अभी आप सुन रहे थे स्पेशल कवरेज न्यूज के माध्यम से कुछ हाइलाइट्स जिसमें डॉक्टर एपी सिंह साहब और शिव कुमार मिश्रा जी प्रिंस पंडित जी वार्ता कर रहे थे अनुदेशकों के हित को लेकर। यहाँ पर आपको पुनः मैं बताना चाहूँगा राकेश पटेल जी ने समाचार वायरल किया है कि विधिक टीम से उनकी वार्ता हो गई है और 11 माह 29 दिन के मानदेय के लिए वो जल्द कोर्ट खुलते ही याचिका दायर करेंगे। पूरी तैयारी के साथ वो कोर्ट जाएंगे और सरकार से मांग करेंगे। इसके अतिरिक्त 16 जून से 30 जून के बीच का मानदेय की मांग करेंगे और अपनी बात रखेंगे अनुदेशकों हित के लिए। तो आप सभी तैयार रहिए विधिवत स्कूल जाइए और अपने कार्य को अच्छे से करिए। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।